हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल एक चैप्टर पढ़ाया था, कैपेसिटीज का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, ठीक है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कराई थी। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी यानी कि एक वो कंटेनर, ठीक है, जो कि चीज़ों को क्या होल्ड करे। लाइक जैसे आपके पास कोई भी एक बकेट हो, उसमें आप कोई भी लिक्विड बेस्ड चीज़ डालिए और वो उतनी जगह घेर ले, यानी उस चीज़ को होल्ड कर ले, तो वो हमारा क्या होता है, कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी एरिया होती है। इसको हम इससे मेजर करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, ठीक है, ये सारी मेजर यूनिट होती है। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, ऑल द वाटर इज प्योर फ्रॉम कैन ए इनटू कैन बी, ठीक है, वाटर जो है वो ए और बी में फिल है, ठीक है। हाउ मच वाटर इज कैन बी, नाउ तो आपको इन दोनों में वाटर फिल है और आपको बी में बताना है कितना वाटर फिल होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देना है, ए और बी को, यानी इस बीकर में अलग अलग में वाटर है। जैसे हमारा ए बीकर है तो उसमें कितना वाटर है, आप यहाँ से देखिए स्केलिंग कर सकते हैं इसको, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो कितना है, 3 लीटर। यानी कि ए में कितना है, कैन ए में 3 लीटर है, एंड कैन बी में कितना है, 1 एंड 2, 2 लीटर, तो 3 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कैन बी में कितने लीटर वाटर, कितने लीटर वाटर हो जाएगा, 3 एंड 2, 5, ठीक है। तो हम इसको फिल कर देंगे और यहाँ पे 5 लीटर वाटर हो गया, ठीक है। सेम एज ये बी है, ये बकेट दी हुई है आपको, ए वाली बकेट में 1 लीटर वाटर है और सेकेंड नंबर बी नंबर में 3 लीटर वाटर है। अब जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को मिला देंगे एक साथ, तो हमारे बी बकेट में 3 एंड +1 कितना हो जाएगा, 4 लीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 पे वाटर फिल कर देंगे, यानी पहले 4 था, ठीक है, ए में, बी में हमने 2 लीटर अलग कर लिया, कितना, 2 लीटर, यानी 4 में हमने क्या किया, 4 लीटर था हमारा, उसमें से 2 लीटर हमने माइनस कर दिया, ठीक है, कितना बचा हमारा, 2 लीटर, कितना बचा, 2 लीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ये करना है। नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए अब हम नेक्स्ट आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स, ठीक है, हमें ml में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये लीटर में दिए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको कल बताया क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीलीटर, तो 1 लीटर में आपके कितने होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, कितना, 1000, तो 6 लीटर में, तो 6 into 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर, ठीक है। फिर ऐसे ही 8 लीटर 240 मिलीलीटर है, तो फिर से सेम है, क्या करेंगे, 8 को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 into 1000, ठीक है, प्लस 240, वी पहले से मिलीलीटर में कन्वर्ट है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 8000 + 240 ml, इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.428 मिलीलीटर, ठीक है, ठीक है, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3000 / 1000, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 लीटर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सेम एज ऐसे भी इसको भी करेंगे हम, तो 7000
जहां किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कंसल्ट करेगा। ओके, थैंक यू क्लास।